धनीपुर मंडी में जिला प्रशासन द्वारा खेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतगणना की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके चलते मंडी में खरीद और बिक्री रोक दी गई। इससे व्यापारी और किसान विरोध में आ गए। उन्होंने मंडी का गेट बंद कर जीटी रोड पर जाम लगा दिया। इनका कहना था कि इन दिनों धान का सीजन चल रहा है, प्रशासन के मंडी परिषद को अधिकृत कर लेने से इस समय उनकी दुकानदारी प्रभावित होगी। हंगामे की सूचना पर एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट व अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गुस्साए किसान और व्यापारियों को समझाया। में ये जो चुनाव है ना, उपचुनाव खैर वाला, उस उपचुनाव के पहले तो डिसीजन ये था कि मतलब वहीं होगा, तो बीच में जो बीसी हुई चुनाव आयोग महोदय की, तो उसमें निर्णय लिया कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहीं होंगे। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वहीं, तो इस वजह से कल डीएम साहब भी आए थे, सारे अधिकारी भी आए थे कल, तो निर्णय पीछे, तो इस बेस पे व्यापारियों ने आज खरीद नहीं की, तो वहाँ का चुनाव वहीं कराना चाहिए। इस विरोध में व्यापारियों ने इसका विरोध किया, तो उसमें उन्होंने जब खरीद नहीं की तो किसान इसमें परेशान हो गए, इस वजह से उन्होंने गेट बंद कर दिया। पूरी तैयारी है, वो कल से ही तैयारी शुरू हो गई, तो बाकी उनको समझा दिया है, बात बैठ के हो गई है सभी से, व्यापारी भाइयों से, कि जो स्थिति जितनी ज़रूरत है एक खैर के चुनाव के लिए, एक विधानसभा के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही एरिया लिया जाएगा। लास्ट वाली जो दुकानें हमारी है बी क्लास की फल मंडी, उनको ही कवर किया जाएगा। डीएम साहब ने मंडी बंद करा दिया खरीदारी। कब? आज। कितने बजे आई? कौन आया? 8:30 बजे। कौन आया था? खबर गई 8 रुपए के, आज मंडी ना बंद है, डीएम साहब के आदेश थे कोई खरीदारी ना होगी। क्यों? आप वो इलेक्शन है, इलेक्शन के डिब्बा आएंगे, मंडी खाली कराई जा रही है यहाँ मंडी में भीतर। हमारे लोगों ने धान भरे हुए रात के, मंडी बंद होनी तो कल खबर देनी हमें, हम अपने धान ना लाते जहाँ, तो कोई तो 8 रुपए बताओ, हम कहा करेंगे मंडी बंद है तो। फिर ये ऐसा है, उपचुनाव होने खैर के अंदर, पहले डीएम साहब ने जो वो करा था वो खैर में ही उस पोलिंग जाएंगी और पोलिंग वहीं